हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोल लैंड के एक और नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 65 की नॉवेल एक्सप्लेनेशन की। तो बिना किसी देरी के चलिए हमारे आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हम सभी ने सोल लैंड 2 के एपिसोड 64 के अंदर देखा है, सी गॉड फेथ इवेंट ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है, जिसकी वजह से इनर अकेडमी के सभी डिसाइबल्स उनके जीवन साथी को हासिल करने के लिए इस इवेंट के अंदर आ चुके हैं, जहाँ पर इन सभी इनर साइबल्स को इस इवेंट के अंदर देखकर जीजी एंड बाई बाई ये दोनों इस इवेंट को ऑफिशियली स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है, इनर एकेडमी के सभी लड़के काफी तेजी से उनके सामने मौजूद लोटस लीफ की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इस इवेंट के फर्स्ट राउंड के अंदर इनर एकेडमी के सभी मेल स्टूडेंट्स को उनके सामने मौजूद लोटस लीफ पर जाकर उनकी पोजीशन को सिक्योर करना होता है, जहां पर उन सभी के सामने मौजूद लोटस लीफ्स उन सभी के रैंकिंग को डिसाइड करने वाली थी। जिसकी वजह से जैसे ही इवेंट स्टार्ट होता है, इनर एकेडमी के सभी लड़के काफी तेजी से उन सभी लीफ्स की तरफ जाने लगते हैं, जहां इन सभी को लोटस लीफ की तरफ इतने तेजी से जाता देख युहा और साइतो ये दोनों भी उनके पीछे जाने लगते हैं। साइतो के साथ लोटस लीफ की तरफ जाते हुए युहा की नजर अचानक से सुशांत सिंह की तरफ पड़ती है, जो की अभी तक स्टार्टिंग लाइन पर ही था। जहाँ सुशांत सिंह को स्टार्टिंग लाइन पर देखकर युहा अपने मन में सोचता है, जरूर सुशांत सिंह कुछ न कुछ कांड करने वाला है। फिर हमें इनर एकेडमी के बाकी डिसाइबल्स दिखाए जाते हैं, जो कि काफी तेजी से लोटस लीफ की तरफ जा रहे थे, जहां उन सभी इनर एकेडमी के डिसाइबल्स में से जैसे ही एक डिसाइबल फर्स्ट पोजीशन के लोटस लीफ पर जाने वाला था, तभी अचानक सुशांत सिंह अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके उसके साथ अपनी पोजीशन को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो डिसाइबल सुशांत सिंह की जगह आ जाता है और सुशांत सिंह उसकी जगह पर चला जाता है। अपनी इस जुआन वो डिस्प्लेसमेंट एबिलिटी का इस्तेमाल करके सुशांत सिंह इस इवेंट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आ जाता है, वहीं पर वो डिसाइबल लास्ट पोजीशन पर आ जाता है। फिर हमें बाई बाई को दिखाया जाता है, जो सुशांत सिंह की इस हरकत को देखकर कहता है, ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। तो दूसरी तरफ हमें बाकी ऑडियंस को दिखाया जाता है, जो सुशांत सिंह की इस हरकत को देखकर कहते हैं, ये लड़का काफी ज्यादा ही कमीना है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुशांत सिंह की तरह ही वहां मौजूद सभी डिसाइबल्स बाकी बचे लोटस लीफ पर जाकर खड़े हो जाते हैं। जैसे ही इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स उन सभी लोटस लीफ पर आ जाते हैं, जीजी अनाउंस करती है सी गॉड फेथ का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो गया है, जिसकी वजह से हम सी गॉड फेथ के नेक्स्ट इवेंट को स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर इस इवेंट के अंदर तुम सभी को तुम्हारे सामने मौजूद किसी भी लड़की के फेस पर लगे मास्क को हटाना है, जहां पर इस इवेंट के अंदर तुम सभी को बारी बारी से मौका दिया जाएगा उन सभी लड़कियों के फेस के मास्क को हटाने का। फिर उसके बाद जूजी सभी लड़कों से कहती है, तुम सभी ने जिस भी लोटस लीफ को हासिल किया है, उसी के हिसाब से तुम सभी एक एक करके अपने सामने मौजूद लड़की के फेस के मास्क को हटाने का ट्राई करोगे। फिर उसके बाद जूजी उन सभी से कहती है, क्या तुम सबको इसके रूल समझ आ गए? जहाँ जूजी की ये बात सुनकर वो सभी हाँ कहते हैं। फिर उसके बाद हमें बेबे को दिखाया जाता है, जो सुशांत सिंह की तरफ देख कर सुशांत सिंह से कहता है, सुशांत सिंह तुम फर्स्ट पोजिशन के लोटस लीफ पर खड़े हो, जिसकी वजह से तुम्हें सबसे पहला मौका दिया जाएगा। जैसे ही सुशांत सिंह बाई बाई की ये बात सुनता है, और तुरंत अपनी जगह से जंप करके काफी तेजी से उन सभी लड़कियों की तरफ जाने लगता है, और फिर उन सभी लड़कियों को एक के बाद एक देख कर कहता है, ये लड़की काफी ज्यादा ही मोटी है, ये लड़की काफी ज्यादा ही पतली है, इसका फिगर तो जियान नानन की तरह नहीं है, इस लड़की की हाइट तो काफी ज्यादा ही कम है, ये पक्का जियान नानन नहीं है। फिर इसी तरह सुशांत सिंह काफी लड़कियों को देखता है। फिर उसके बाद फाइनली सुशांत सिंह को जियान नानन मिल जाती है, जहाँ जियान नानन के पास आकर सुशांत सिंह जियान नानन से कहता है, मैंने तुम्हें फाइंड कर लिया है। फिर हमें जियान नानन को दिखाया जाता है, जो सुशांत सिंह को इस तरह से अपने सामने देख कर कहती है, यहाँ से दफा हो जाओ। तो दूसरी तरफ हमें सभी ऑडियंस को दिखाया जाता है, जो की एक दूसरे से कहते हैं, आखिरी सुशांत सिंह ने जियान नानन को किस तरह से फाइंड किया है। जहाँ ऑडियंस के बीच में सभी बातचीत चल रही थी, तो दूसरी तरफ हमें बाई बाई को दिखाया जाता है, जो सुशांत सिंह को जियान नानन के सामने देख कर कहता है, जरूर इस कमी ने सुशांत सिंह ने युहाओ से हेल्प ली होगी। फिर उसके बाद हमें सुशांत सिंह एंड जियान नानन को दिखाया जाता है, जहां पर सुशांत सिंह को अपने सामने देख कर जियान नानन काफी ज्यादा ही गुस्से में सुशांत सिंह पर किक कर देती है। जहाँ जियान नानन को इतने ज्यादा गुस्से में सुशांत सिंह पर अटैक करता देख सभी लोग ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, पर दूसरी तरफ सुशांत सिंह जियान नानन की इस किक को अपनी तरफ आते हुए देखकर अपने घुटनों पर बैठ जाता है, और जियान
नानन केस की को अपने कंधे पर ले लेता है। जैसे ही जिया नानन के केक्स सुशांत के कंधे पर जा लगती है, वहाँ मौजूद सभी ऑडियंस कहती है सुशांत सिंह ने जिया नानन के इतने ज्यादा पावरफुल किक को डॉच नहीं किया बल्कि उसके अटैक को सही लिया है। ये लड़का सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। फिर हमें सुशांत सिंह को दिखाया जाता है जो अपने घुटनों पर बैठकर जिया नानन से कहता है नानन मैं सच में तुम्हें काफी ज्यादा ही पसंद करता हूँ। हम दोनों के बीच में पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर लो। सुशांत सिंह की ये बात सुनकर जिया नानन को अंदर से काफी ज्यादा ही सुकून मिलता है जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद जिया नानन ब्लैक फिलिप मार के सुशांत सिंह के कंधे से अपने पैर को हटा देती है, जहां इस मौके का फायदा उठाकर सुशांत सिंह काफी तेजी से जिया नानन के पास जाकर उसके मुंह पे लगे हुए उस व्हाइट क्लॉथ को हटा देता है, जिसकी वजह से सुशांत सिंह इस इवेंट का सेकेंड राउंड क्लियर कर जाता है। सुशांत सिंह को जिया नानन के मुंह से इस तरह से मास्क को हटाता देख ऑडियंस सुशांत सिंह के लिए चीयर करने लगती है। सुशांत सिंह को इस राउंड को क्लियर करता देख जीजी कहती है अब सेकेंड नंबर की बारी है। जीजी की ये बात सुनकर गु फेंग तुरंत आगे आता है और फिर सभी लड़कियों की तरफ देख कर कहता है लगता है अब मेरी बारी है। अपनी ये बात खत्म करके गु फेंग काफी तेजी से उन सभी लड़कियों की तरफ जाने लगता है, जहाँ रास्ते में गु फेंग अपने विंग्स को बाहर निकालता है और फिर अपने विंग्स का इस्तेमाल करके लेक में मौजूद पानी को लड़कियों की तरफ उछालने लगता है, जिससे कि वो उन सभी लड़कियों की गीली बॉडी को देख पाए। फिर हमें रू रू एंड उमिंग को दिखाया जाता है जो कि गुयान की इस हरकत को देखकर काफी ज्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं, जहां गुस्से में ये दोनों तुरंत अपने मार्शल सोल को समन करते हैं और फिर अपनी सोल एबिलिटी का इस्तेमाल करके गुयान पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गुयान दूर जाकर गिरता है। उन दोनों ही लड़कियों के अटैक से इंजर होने के बाद गुयान उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने रूल्स को तोड़ा है, तुम दोनों मुझ पर इस तरह से अटैक नहीं कर सकती। जहां गुयान के ये बात सुनकर उमिंग कहती है तुमने अपने गंदे इरादों से हम सभी पर पानी उछालने की कोशिश की थी, उसके जवाब में ही हमने सिर्फ तुम पर काउंटर अटैक किया है। उमिंग के ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी ऑडियंस ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर उसके बाद इनर एकेडमी के सभी डिसाइबल्स एक के बाद एक उन सभी लड़कियों के पास जाकर उनके मुंह से उनके मास्क को हटाने का ट्राई करते है, पर वो सभी उसमें फेल हो जाते हैं। जहां इनर एकेडमी के इन सभी डिसाइबल्स को एक के बाद एक फेल होता देख जीजी काफी ज्यादा ही हंसते हुए कहती है अगर तुम सभी को अपने प्यार को हासिल करना है तो तुम डरपोक बन के अपने प्यार को हासिल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जीजी आगे कहती है अब नेक्स्ट नंबर है चू क्विंतियान का। जैसे ही चू क्विंतियान जीजी की यह बात सुनता है वो तुरंत अपने सोल पावर को एक्टिवेट करके काफी तेजी से रो रो की तरफ जाने लगता है। जहां चू क्विंतियान को इस तरह से रो रो की तरफ जाता देख उमिंग कहती है चू क्विंतियान की स्पीड काफी ज्यादा है, जरूर सिस्टर रो रो इसे आसानी से डील नहीं कर पाएगी। जैसे ही उमिंग अपने ये बात खत्म करती है उसे उसके सामने चू क्विंतियान का अटैक दिखाई देता है, जहां चू क्विंतियान के इस अटैक की वजह से उमिंग के फेस पर लगा हुआ मास्क निकल जाता है। चू क्विंतियान को रो रो पर अटैक करने की वजह खुद पर इस तरह से अटैक करता देख उमिंग काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर हमें दूसरी तरफ ऑडियंस को दिखाया जाता है जो चू क्विंतियान की इस तरह की होशियारी को देखकर काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं और फिर चू क्विंतियान के लिए चेयर करने लगते हैं। फिर उसके बाद हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कहती है अब अगली बारी युहाव की है। जैसे ही युहाव जीजी की ये बात सुनता है उसकी पूरी तरह से फट जाती है। जहां जीजी की ये बात सुनकर युहाव अपने मन में कहता है मेरे पास तो सोल गाइडिंग टूल्स और बैटल्स का एक्सपीरियंस है, मैंने आज से पहले किसी भी लड़की को डेट नहीं किया, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अपने मन में सभी बातें सोचकर युहाव और भी ज्यादा घबराने लगता है और फिर घबराते हुए अपना एक पैर पानी पर रख देता है। जहां युहाव को पानी पर पैर रखता देख वहां मौजूद सभी ऑडियंस कहने लगती है लगता है इस लड़के ने हार मान ली है। जैसे ही सभी ऑडियंस युहाव के बारे में सभी बातें कर रहे थे तभी उन सभी का ध्यान फिर से युहाव की तरफ जाता है जो कि पानी में पैर रखने के बावजूद भी उसके अंदर नहीं गिरा था। जहां युहाव को इस तरह से पानी पर खड़ा हुआ देखकर वहां मौजूद सभी ऑडियंस ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। फिर युहाव इसी तरह से पानी पर चलते हुए उन सभी लड़कियों की तरफ जाने लगता है। जहां युहाव को इस तरह से पानी पर आगे चलता देख वहां मौजूद सभी ऑडियंस की नजर युहाव के पैरों पर जाती है, जहां पर जैसे ही युहाव अपना पैर पानी पर रखता था उसके नीचे का पानी पूरी तरह से आइस में कन्वर्ट हो जाता था, जिसकी वजह से युहाव बड़ी आसानी से पानी पर चल पा रहा था। जैसे ही सभी ऑडियंस युहाव के पैर के
नीचे आइस को नोटिस करते हैं वो तुरंत समझ जाते हैं ये तो अल्टीमेट आइस है। इसने अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करके उसके नीचे मौजूद पानी को पूरी तरह से फ्रीज कर दिया है। अपनी अल्टीमेट आइस का इस्तेमाल करने के बाद युहा उन सभी लड़कियों के पास आ जाता है, जहाँ युहा को उन सभी लड़कियों के सामने देख कर बे अपने मन में सोचने लगता है आखिर युहा किस टेक्निक का इस्तेमाल करेगा जिससे कि वो लड़की के मास्क को हटा पाए। फिर हमारा सीन युहा की तरफ आता है जो अपने सामने इतनी सारी लड़कियों को देख कर काफी ज्यादा ही नर्वस हो जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद युहा किसी तरह खुद को शांत करता है। खुद को शांत करने के बाद युहा उन सभी लड़कियों की तरफ देखने लगता है और फिर अपनी बॉडी से स्नो एम्प्रेस को बाहर निकालता है। जैसे ही युहा अपने बॉडी से स्नो एम्प्रेस को बाहर निकालता है वहाँ मौजूद सभी लोग ही काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सभी ने आज से पहले इस तरह की चीज नहीं देखी थी। युहा के बॉडी से बाहर आने के बाद स्नो एम्प्रेस युहा के बॉडी के सराउंडिंग फ्लाई करने लगती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस का इतना ज्यादा क्यूट फेस देख कर वहाँ मौजूद सभी लड़कियां ही स्नो एम्प्रेस की दीवानी हो जाती है। अपने सामने मौजूद लड़कियों का इस तरह का रिएक्शन देख कर युहा स्नो एम्प्रेस को अपने पास बुलाकर स्नो एम्प्रेस से कहता है, स्नो एम्प्रेस मेरी बात सुनो, तुम्हें मेरे सामने मौजूद लड़कियों के मास्क को हटाना है। युहा के ये बात सुनकर स्नो एम्प्रेस फ्लाई करते हुए युहा के सामने मौजूद लड़कियों के पास जाने लगती है, जहाँ उन सभी लड़कियों के पास आने के बाद स्नो एम्प्रेस सबसे पहले एक लड़की के पास जाती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस को अपने इतने ज्यादा पास देख कर वो लड़की काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है। फिर उसके बाद स्नो एम्प्रेस अपने हाथों का इशारा करके उस लड़की को अपने मास्क को हटाने को कहती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस की ये बात सुनकर वो लड़की पहले तो मना करती है जिसकी वजह से स्नो एम्प्रेस उसके सामने काफी ज्यादा ही मासूम सा फेस बनाती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस के इस फेस को देख कर वो लड़की पिघल जाती है और फिर अपने मास्क को हटा देती है। जैसे ही वो लड़की अपने मास्क को हटाती है स्नो एम्प्रेस उसे गले लगाती है और फिर उस लड़की को किस करती है। स्नो एम्प्रेस को अपने बाहों में पाकर वो लड़की काफी ज्यादा ही खुश हो जाती है और फिर युहा की तरफ देख कर कहती है, ये लड़की काफी ज्यादा ही क्यूट है पर इसकी बॉडी काफी ज्यादा ही कोल्ड है, युहा तुम्हें इसे गर्म कपड़े पहनाने चाहिए। उस लड़के की ये बात सुनकर युहा कहता है, स्नो एम्प्रेस की बॉडी पहले से ही इसी तरह की है और रही बात इसकी ड्रेस की तो ये मैं डिसाइड नहीं करता, स्नो एम्प्रेस को जो अच्छा लगता है वो वही करती है। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है स्नो एम्प्रेस उस लड़की के बाहों से फ्लाई करते हुए दूसरी लड़की के पास आती है और उसे भी अपने मास्क को हटाने के लिए कहती है, जहाँ पर वो लड़की स्नो एम्प्रेस की इतनी ज्यादा क्यूटनेस को देख कर इसके लिए मान जाती है। जैसे ही वो लड़की अपने मास्क को हटाती है स्नो एम्प्रेस फ्लाई करके दूसरी लड़की के पास आती है और उसे भी अपने मास्क को हटाने के लिए कहती है। स्नो एम्प्रेस की ये बात सुनकर वो लड़की भी स्नो एम्प्रेस की क्यूटनेस को देख कर इसके लिए मान जाती है। यहाँ पर स्नो एम्प्रेस अपनी क्यूटनेस का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद पांच लड़कियों के मास्क को हटा देती है, जहाँ पर इन पांच लड़कियों में से तीन युहाओ की फ्रेंड्स होती है जिनमें शाओ शाओ वू फेंग एंड लिंग लाओचेन होती है। फिर हमें दूसरी तरफ इनर एकेडमी के बाकी सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि युहाओ से कहते हैं, युहाओ अब बस भी करो, तुम इसी तरह स्नो एम्प्रेस का इस्तेमाल करके वहाँ मौजूद सभी लड़कियों के मास्क हटा दोगे। जैसे ही युहा उन सभी के सभी बातें सुनता है और स्नो एम्प्रेस को रुकने का इशारा करता है, जिसकी वजह से स्नो एम्प्रेस उन सभी लड़कियों के पास से फ्लाई करते हुए युहा के पास आकर खड़ी हो जाती है, जहाँ स्नो एम्प्रेस को युहा के पास देख कर उमिंग युहा से कहती है, युहा मुझे स्नो एम्प्रेस के बारे में जानना है। जहाँ उमिंग के ये बात सुनकर युहा कहता है, स्नो एम्प्रेस मेरी एक्सपर्ट है, इसे तुम सोल रिंग का एक और फॉर्म भी कह सकती हो। फिर उसके बाद हमें जीजी को दिखाया जाता है जो कहती है, अब अगली बार साइतो की है। जैसे ही साइतो जीजी की ये बात सुनता है वो तुरंत उन सभी लड़कियों के सामने मौजूद लोटस लीप पर जाकर खड़ा हो जाता है और फिर उस लोटस लीप पर आने के बाद अपने घुटनों पर बैठ जाता है। साइतो को इस तरह से अपने घुटनों पर बैठता देख कर बे साइतो से कहता है, साइतो तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ लड़कियों के मास्क को हटाना है। बे बे की ये बात सुनकर साइतो बे बे से कहता है, मुझे इसके बारे में पहले से ही मालूम है। फिर हमें सभी ऑडियंस को दिखाया जाता है जो साइतो को इस तरह से अपने घुटनों पर बैठता देख कर कहती है, आखिर ये लड़का क्या करना चाहता है, इसे तो उन सभी लड़कियों के पास जाकर उनके मास्क को हटाना चाहिए ना, आखिर ये एक ही जगह पर क्यों बैठा है। जैसे ही वो सभी अपनी ये बात खत्म करते है उन सभी का ध्यान फिर से साइतो की तरफ जाता है, जहाँ पर साइतो ने इस समय पर अपने स्टोरेज बैग से स्टेशनरी सोल कैनन को बाहर निकाल लिया था। जैसे ही साइतो वो
वहां पर अपने स्टेशनरी सोल कैनन को समन करता है। वहां मौजूद सभी टीचर्स काफी ज्यादा ही शॉक हो जाते हैं, खासकर उन सभी में टीचर फैन्यू साइतो को स्टेशनरी सोल कैनन को बाहर निकलता देख काफी ज्यादा ही गुस्से में साइतो से कहते हैं, साइतो तुम ब्लाइंड डेट के लिए यहाँ पर आए हो ना कि किसी वॉर के लिए, जल्दी से अपने स्टेशनरी सोल कैनन को वापस रखो। दूसरी तरफ हमें साइतो को दिखाया जाता है जो अपने स्टेशनरी सोल गाइडिंग डिवाइस को चार्ज करने लगता है और फिर अपने स्टेशनरी सोल गाइडिंग डिवाइस को चार्ज करते हुए अपने सामने मौजूद सभी लड़कियों से कहता है, अब मैं अपने इस सोल गाइडिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके तुम सबके मास्क को हटा दूंगा। ये स्टेशनरी सोल गाइडिंग डिवाइस काफी ज्यादा ही पावरफुल है जो कि अपने सामने मौजूद हर एक चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। साइतो के बात सुनकर वहां मौजूद सभी लड़कियां ही अपने डिफेंस के लिए अपनी सभी सोल रिंग्स को समन करने लगती है। जहां जैसे ही सभी लड़कियां अपनी सोल रिंग्स को समन करती है, युहाओ की नजर उन सभी लड़कियों में से एक लड़की पर जाती है जहां पर उस लड़की की सभी सोल रिंग्स वांग डॉग की तरह ही थी। जैसे ही युहाओ उस लड़की की सभी सोल रिंग्स को देखता है, युहाओ सोचने लगता है क्या ये वांग डॉग की सिस्टर वांग क्विनर है जिसके बारे में वांग डॉग ने मुझे बताया था। साइतो के बात सुनकर जीजी साइतो से कहती है, साइतो तुम इसका इस्तेमाल यहाँ पर नहीं कर सकते, मैं जानती हूँ तुम इस समय पर अपने एबिलिटीज का ही इस्तेमाल कर रहे हो पर तुम्हें किसी और तरीके से करना होगा जिससे कि तुम्हारी सिस्टर्स को चोट ना पहुंचे। जीजी के बात सुनकर साइतो इसके लिए मान जाता है और फिर अपने स्टेशनरी सोल गाइडिंग डिवाइस को वापस से अपने स्टोरेज बैग के अंदर रखता है। स्टेशनरी सोल कैनन को स्टोरेज बैग के अंदर डालने के बाद साइतो काफी ज्यादा तेजी से जंप करता है और फिर अपने फ्लाइंग सोल गाइडिंग टूल का इस्तेमाल करके आसमान में फ्लाई करने लगता है। साइतो को इस तरह से आसमान में फ्लाई करता देख वहां मौजूद सभी लड़कियां ही सतर्क हो जाती है। जहां साइतो को इस तरह से आसमान में फ्लाई करता देख उनमें से एक लड़की कहती है, तुम सभी सिस्टर्स इससे संभल कर रहना, ये लड़का जरूर कुछ करना चाहता है। जैसे ही वो लड़की अपने बात खत्म करती है, साइतो अपने पास से काफी ज्यादा ही सोल गाइडिंग डिवाइस को बाहर निकाल कर नीचे की तरफ थ्रो करता है। जैसे ही वहां मौजूद सभी लड़कियां साइतो के इस एक्शन को देखते है वो तुरंत अपनी जगह से हवा में जंप करती है जिससे कि वो सभी साइतो के इस अटैक से बच पाए। जैसे ही वो सभी लड़कियां साइतो के अटैक से बचने के लिए आसमान की तरफ जंप करती है जहां इन सबको देखकर साइतो स्माइल करता है और फिर अपने सभी सोल गाइडिंग डिवाइस को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से नीचे से ऊपर की तरफ काफी ज्यादा ही तेज हवाएं चलने लगती है। जहां इस तेज हवा की फ्लो की वजह से वहां मौजूद काफी सारी लड़कियों के मास हट जाते हैं जिसकी वजह से वो सभी लड़कियां काफी ज्यादा ही शॉक हो जाती है। तो दूसरी तरफ सभी ऑडियंस साइतो के इस एक्शन को देख कर कहते हैं, ये लड़का काफी ज्यादा ही होशियार है। फिर हमारा सीन टीचर कियान की तरफ आता है जो साइतो को देख कर कहते हैं, मुझे नहीं लगा था साइतो इस सोल गाइडिंग डिवाइस का इस तरह से इस्तेमाल करेगा, मुझे अब साइतो को देख कर ऐसा लग रहा है साइतो पर बे बे एंड सुशांत सिंह की संगत का असर हो रहा है। जैसे ही बे बे टीचर कियान के बात सुनता है वो काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है। तो दूसरी तरफ हमें सुशांत सिंह को दिखाया जाता है जो टीचर कियान के बात सुनकर गुस्से में कहता है, इसमें मैं कहां से आ गया, मैं तो पिछले 2 सालों से साइतो से मिला भी नहीं हूँ, साइतो पिछले 2 सालों से युहाओ के साथ था, तो आपको युहाओ को ब्लेम करना चाहिए ना कि मुझे। फिर हमारा सीन साइतो की तरफ आता है जो कि अपने सोल गाइडिंग विंग्स को डीएक्टिवेट करके लोटस लीफ पर आकर खड़ा हो जाता है और फिर शाओ शाओ की तरफ देखने लगता है। जहां साइतो को इस तरह से खुद की तरफ देखता देख शाओ शाओ भी साइतो की तरफ देख कर ब्लश करने लगती है। फिर उसके बाद हमें जीजी को दिखाया जाता है जो साइतो से कहती है, साइतो तुम इस टेस्ट में पास हो गए। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक के बाद एक बहुत सारे डिसेबल्स इस टेस्ट को ट्राई करते हैं जिसमें से कुछ फेल हो जाते हैं तो कुछ पास हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही ये सेकेंड इवेंट खत्म होता है हमें दिखाया जाता है उन सभी लड़कियों में से सिर्फ 3 ही लड़कियां बची थी जिनका मास अभी तक नहीं निकला था। जहां युहा उन तीनों में से एक लड़के की तरफ देख कर कहता है, मैं इस लड़की का चेहरा देखना चाहता था जिससे कि मैं श्योर हो पाऊ ये वांग डोंग की सिस्टर है या नहीं। भले ही युहा को पता नहीं ये लड़की कौन है पर हम सभी को पता है ये लड़की असल में वांग डोंग है। तो कल की वीडियो में हम वांग डोंग की रियल आइडेंटिटी के बारे में जानेंगे और साथ में कल की वीडियो में हम काफी ज्यादा ही मजेदार फाइट को देखने वाले है जहाँ इस फाइट के अंदर युहा एंड वांग डोंग ये दोनों मिलकर दायु बिन उंग लिंग लाओ चैन निंग तियान एंड जी हुआन इन सभी के साथ बैटल करेंगे। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही, जाने से पहले प्लीज इस वीडियो पर लाइक एंड कमेंट करवा दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई सोल लैंड की वीडियो के साथ।